नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। छात्रों के आंदोलन को विपक्ष ने लपका। पटना समेत कई शहरों में सड़कों पर आरजेडी वर्कर्स का हंगामा। दरभंगा में रोकी ट्रेन। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर बवाल के बाद केंद्र सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं। इसके बावजूद आज बिहार बंद का आयोजन किया गया। पटना, गया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित बिहार के सभी बड़े शहरों में सुबह से ही जगह जगह रास्तों को जाम कर दिया गया है। कहीं सड़कों पर टायर जलाए जा रहे तो कहीं नारेबाजी की जा रही। हालांकि छात्रों के इस आंदोलन को अब विपक्ष ने लपक लिया है। सड़कों से छात्र नदारद हैं तो राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। पटना में सुबह ही कई सड़कों पर आरजेडी के कार्यकर्ता उतर आए, टायरों को जलाते हुए सड़कों को जाम कर दिया। कई जगह पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता तो कुछ जगहों पर कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता ने जाम लगा दिया। मोदी नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की जा रही। गांधी सेतु पर प्रदर्शन की वजह से यहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। सुबह 7 बजे से विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने रामाशीष चौक पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। पटना में भिकना पहाड़ी इलाके में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आगजनी की। दरभंगा में भी जगह जगह आरजेडी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आईएसए और आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचकर हंगामा करने लगे। कार्यकर्ता ट्रक पर बैठ गए और दरभंगा संपर्क क्रांति का रास्ता रोक दिया। आरजेडी के कार्यकर्ता ट्रेन के इंजन पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। वैशाली में हाईवे पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर टायरों में आग लगाकर रास्ता रोक दिया। यहां मोदी और नीतीश का पुतला भी फूंका गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही और कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। जहानाबाद में बिहार बंद के द्वारा भाकपा माले एवं महागठबंधन के कार्यकर्ता सुबह में ही सड़क पर उतर गए। कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर बंद को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। जहानाबाद के अरवल मोड़, काको, मखदूमपुर सहित कई जगहों पर एनएच पर टायर जलाकर आवागमन को बाधित किया। काको में एनएच 110 पर दोपहिया वाहन को छोड़कर सभी वाहनों का परिचालन ठप हो गया। हालांकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान अभी रोज की तरह खुले हैं। ट्रेन परिचालन सामान्य है। स्टेशनों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। समस्तीपुर में भी बिहार बंद का असर देखा जा रहा। सुबह से ही विपक्षी दलों के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे। समस्तीपुर पटना रोड पर एसडीओ कार्यालय के पास प्रदर्शन की वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। यहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दफ्तरों को निकले लोग काफी परेशान हैं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन लाइन न्यूज। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें।